गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम आरएस नोमेनक्लेचर के बाकी कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। मैं आरएस नोमेनक्लेचर के बेसिक कॉन्सेप्ट और सीआईपी नोमेनक्लेचर के बारे में वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2 में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। अगर मैं उसकी छोटी सी एक आउटलुक दूं, अगर रिवाइज करें कि आरएस नोमेनक्लेचर कहाँ दिया जाता है या फिर आरएस नोमेनक्लेचर किस तरह दिया जाता है, तो आरएस नोमेनक्लेचर देने के लिए किसी भी कंपाउंड में एसिमेट्रिक सेंटर होना जरूरी है। मैंने आप लोगों को ये समझाया था, एसिमेट्रिक होने के साथ साथ उस कंपाउंड में फिशर या फिर वेज कॉन्फॉर्मेशन दी होनी चाहिए, ठीक है। ये समझाया था कि ये दो कंडीशंस हैं जो आपको आरएस नोमेनक्लेचर के लिए चाहिएंगी। उसके बाद आपको क्या, अगर फिशर या वेज नहीं दे रखा तो आप कोई दूसरी रिप्रेजेंटेशन दे रखी है तो उसको आप फिशर या वेज में कन्वर्ट कर सकते हो, फिर आप आरएस कर सकते हो। कैसे दोगे उसके लिए मैंने आपको बताया था कि एसिमेट्रिक सेंटर है, तो जो एसिमेट्रिक सेंटर है उसके चार डिफरेंट बॉन्ड होंगे तो उनको प्रायोरिटी दी जाएगी 1, 2, 3, 4 अकॉर्डिंग टू सीआईपी नोमेनक्लेचर। इतना पार्ट हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में देखा था। आज हम ये देखते हैं कि 1 से 2 और 3 की तरफ जाते हुए डायरेक्शन ऑफ रोटेशन देखी जाती है। डायरेक्शन ऑफ रोटेशन आइदर इट कैन बी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, और फोर्थ ग्रुप की पोजीशन देखी जाती है, फोर्थ ग्रुप के पोजीशन, और फिर आरएस डिसाइड किया जाता है। आज इस कंसेप्ट को देखना है हमें कि डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्या है और फोर्थ ग्रुप के पोजीशन क्या है। तो मैं सबसे पहले आरएस नोमेनक्लेचर का डिस्कशन करता हूं। आरएस नोमेनक्लेचर इन वेज, आरएस नोमेनक्लेचर इन वेज देखना। वेज रिप्रेजेंटेशन के बारे में तो आपको पता ही होगा, वेज रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है। जैसे मैं एक कार्बन सेंटर क्या लूं, तो वेज रिप्रेजेंटेशन में दो बॉन्ड्स को ऑन द प्लेन दिखाया जाता है, एक बॉन्ड सॉलिड होता है जिसको अबव द प्लेन दिखाया जाता है, और एक बॉन्ड रोटेड होता है जिसको बिलो द प्लेन कहा जाता है, ठीक है। तो जिस सेंटर पे, जिस एसिमेट्रिक सेंटर पे आपको आरएस करना है उसकी वेज रिप्रेजेंटेशन आपको दी होनी चाहिए, ठीक है। उसकी वेज रिप्रेजेंटेशन आपको दी होनी चाहिए। आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप सबसे पहले उस एसिमेट्रिक सेंटर पे सीआईपी नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे। सीआईपी नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे प्रायोरिटी, ठीक है। क्या कह रहा हूं मैं कि आपको कोई कंपाउंड मिला, वो उसमें सबसे पहला काम एसिमेट्रिक सेंटर ढूंढो। एसिमेट्रिक सेंटर ढूंढने के बाद ये देखो कि क्या उस एसिमेट्रिक सेंटर पे वेज रिप्रेजेंटेशन दी हुई है कि नहीं दी हुई है। अगर दी हुई है तो ठीक है, हम उसका आरएस कर सकते हैं। अगर वेज नहीं दी हुई तो वेज में बदल सकते हो, सोहर्स दी हो या फिर न्यूमैन दी हो तो वेज में बदल लो, फिर आरएस कर लो। और करने के लिए, आरएस करने के लिए क्या करोगे, सीआईपी नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग उस एसिमेट्रिक सेंटर पे जो चार ग्रुप्स जुड़े हैं उनको 1, 2, 3, 4 प्रायोरिटी दो। अब सबसे पहले देखना, सबसे पहले इस फोर्थ ग्रुप की पोजीशन देखनी है। देखना फोर्थ ग्रुप की पोजीशन इस फोर्थ ग्रुप की पोजीशन तीन हो सकती है। वो कैसे, जो एसिमेट्रिक सेंटर जिसपे आपको आरएस करना है उसके देखो दो बॉन्ड प्लेन पे है, एक बॉन्ड बिलो है, एक बॉन्ड अबव है, तो ये फोर्थ ग्रुप कहीं भी हो सकता है। हो सकता है फोर्थ ग्रुप यहां हो, सकता है यहां हो, या फिर हो सकता है इन दोनों में से किसी पे हो। तो ये फोर्थ ग्रुप तीन पोजीशन पे हो सकता है, ये फोर्थ ग्रुप तीन पोजीशन पे हो सकता है। या तो ऐसा हो सकता है फोर्थ ग्रुप बिलो द प्लेन इस वाले बॉन्ड पे, जिसको मैं ऐसे लिखूंगा कि फोर्थ ग्रुप कैसे है, ये कार्बन सेंटर है और यहां पे फोर्थ है। 1, 2, 3 कैसे है उसका मतलब नहीं है,
मतलब है फोर्स का, क्योंकि पोजीशन हमें फोर्स की देखनी है। अच्छा, दूसरा ऑप्शन हो सकता है फोर्स ग्रुप अबव द प्लेन हो, अबव द प्लेन हो, अबव द प्लेन कैसे हो सकता है, ऐसे यहां पे वो फोर्थ ग्रुप, ठीक है। और तीसरा ऑन द प्लेन, फोर्थ ग्रुप ऑन द प्लेन हो, जैसे ऐसे हो, ऐसे हो फोर्थ ग्रुप, ठीक है। ये तीन टोटल पॉसिबिलिटी बनती है फोर्थ ग्रुप की, पोजीशन की। एक एक को हम डिस्कस करते हुए चलते हैं। सबसे पहले मैं एक केस फर्स्ट लेता हूं जिसमें फोर्थ ग्रुप बिलो द प्लेन है। अगर फोर्थ ग्रुप बिलो द प्लेन होगा तो कैसे होगा, देखो, इफ फोर्थ ग्रुप, और यहां पे पहला केस लिखता हूं बिलो द प्लेन, किसमें, वेज में, बिलो द प्लेन, ठीक है। तो बिलो द प्लेन को मैंने कैसे बनाया था, बिलो द प्लेन को ऐसे बनाया था, फोर्थ ग्रुप, ठीक है। ये फोर्थ ग्रुप बिलो द प्लेन आपको कैसे मिलेगा, सीआईपी नोमेनक्लेचर से, ठीक है। अब आप ऐसे लिखो कि फोर्थ ग्रुप बिलो द प्लेन है और वन टू थ्री, यानी वन से टू और थ्री की तरफ जाते हुए अगर आप रोटेशन क्लॉकवाइज देखते हो तो ये आर होता है, और अगर ये रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होती है तो ये एस होता है। बात समझ आ रही है, अगर क्लॉकवाइज रोटेशन है तो आर है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है तो एस है। जैसे इसका मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैं लेता हूं ये कार्बन सेंटर है, यहां मैंने इस पे वेज रिप्रेजेंटेशन लिखी, यहां पे मैंने लिखा CH3, यहां पे लिखा H, यहां पे लिखा CH2OH और यहां पे लिखा SH। अब एक चीज देखना, अगर मैं प्रायोरिटी देता हूं तो सीआईपी के अकॉर्डिंग इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी, इसकी सेकंड प्रायोरिटी, इसकी थर्ड प्रायोरिटी और इसकी फोर्थ प्रायोरिटी। आप देख सकते हो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप बिलो द प्लेन है। अब वन से टू थ्री जाते हो रोटेशन, देखो ये देखो कैसे है, ऐसे रोटेट करो इसको, तो कैसे हुई, एंटी क्लॉक हुई, और एंटी क्लॉक हुई तो इस कंपाउंड का इस एसिमेट्रिक सेंटर पे कॉन्फ़िगरेशन क्या है, एस है, एस कॉन्फ़िगरेशन है। इस तरीके से काम करना हमें, कितना ही बड़ा कंपाउंड हो, ये बहुत इजी तरीका है आरएस नोमेनक्लेचर डिसाइड करने का। अच्छा, इसके साथ ही साथ मैं आपको इसको याद रखने की ट्रिक बता देता हूं। सिर्फ आपको एक यही याद रखना पड़ेगा, आपका पूरा आरएस नोमेनक्लेचर हो जाएगा। इसको याद रखने की ट्रिक ये है कि देखो, आप आर बनाते हुए अपने हाथ को ऐसे घुमाते हो सीधा, और एस बनाते हुए अपने हाथ को उल्टा घुमाते हो, ऐसे घूमते हैं ना। तो आर बनाया, अपने हाथ इधर घुमाया क्लॉक में, और एस बनाया तो एंटी क्लॉक में घुमाया। इस चीज को याद रख लो बस, कि आर बनाते हुए क्लॉक में हाथ घूमता है, एस बनाते हुए एंटी क्लॉक में हाथ घूमता है, और सिर्फ इसके साथ फोर्थ ग्रुप डाउन, और किसमें, वेज में। इतनी सी बात ध्यान रखनी है, इतनी सी बात ध्यान रखनी है, आपका आरएस नोमेनक्लेचर पूरा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, इसको देखेंगे, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना कि आर बनाते हुए हाथ क्लॉक में, एस बनाते हुए हाथ एंटी क्लॉक में, और वेज में फोर्थ ग्रुप डाउन है, यस कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं, दूसरा केस लेता हूं, यह बिलो द प्लेन का लिया था, मैं लेता हूं अबव द प्लेन का। अगर आर ग्रुप अबव द प्लेन है, अबव द प्लेन का देखना, अबव द प्लेन कैसे लिखोगे, ये फोर्थ ग्रुप, फोर्थ ग्रुप अबव द प्लेन है, ठीक है। अब वन से टू थ्री जाते हुए डायरेक्शन ऑफ रोटेशन अगर क्लॉक है तो ये एस होता है, और एंटी क्लॉक है तो ये आर होता है। बिल्कुल इस ऊपर वाले का ऑपोजिट, बिल्कुल इस ऊपर वाले का ऑपोजिट, ठीक है। और मैंने याद रखने की ट्रिक क्या बताई थी, कि देखो ग्रुप डाउन है, फोर्थ ग्रुप डाउन है तो क्लॉक जाते हुए आर है, एंटी क्लॉक जाते हुए एस है, ठीक है। इसी को ही देखना, अगर फोर्थ ग्रुप अबव है,
तो अब एंटी क्लॉक हो जाएगा आर और क्लॉक हो जाएगा एस, ऐसे याद रख सकते हो। या फिर बिल्कुल ऐसे रख लो कि फोर्थ डाउन है तो आर क्लॉक है और अगर अबव आ गया ना तो बिल्कुल इसका उल्टा करना है। अगर फोर्थ डाउन है तो एंटी क्लॉक एस है और अगर अबव आ गया तो बिल्कुल उसका उल्टा करना है। इस तरीके से आप याद रख सकते हो और एक को याद करने से दूसरे का काम हो जाएगा। और इसको याद करने की ट्रिक तो मैंने बता ही दी आपको, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, यहां पे मैंने लिखा कार्बन, ठीक है, यहां पे मैं फोर्थ प्रायोरिटी पे एच रख देता हूं, यहां बी आर, यहां सी एस थ्री, यहां पे एस एच। आप देखना ये फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। अब फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप अबव है, कोई दिक्कत नहीं अबव है तो बस इतनी सी बात लिख लो, फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप अबव है। अब मैं ऐसे लिखता हूं कि मुझे रोटेट करना है, देखो रोटेशन देखनी है, वन से टू थ्री कैसे जा रहा है, वन से टू थ्री क्लॉक जा रहा है, अगर डाउन था तो क्लॉक आर होता था, अबव है तो क्लॉक एस होगा, ठीक है, अबव है तो क्लॉक एस होगा। और ये हो गया आपका सेकंड केस में आर एस नोमेनक्लेचर। मैं थर्ड केस और लेता हूं, केस थ्री, अगर फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप इज ऑन द प्लेन है, क्या केस है, फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप हो यहां, यहां, यहां पे हो चाहे यहां पे हो की बात है, तो हमें क्या करना होता है, डबल इंटरचेंज करना होता है। डबल इंटरचेंज से मैं क्या समझता हूं, मैं इसका एक एग्जांपल लेता हूं। देखो मान लो मैंने एग्जांपल लिया ये एच सी एच थ्री सी टू एच फाइव और सी थ्री एच सेवन, ठीक है, प्रायोरिटी दूंगा तो इसकी वन, इसकी टू, इसकी थ्री, इसकी फोर। अब इसको अलग से लिख लो, अगर मैं ये ग्रुप ना लिखूं तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं कि यहां पे फर्स्ट प्रायोरिटी है, यहां पे सेकंड है, यहां पे थर्ड है और यहां पे फोर्थ है। डबल इंटरचेंज कैसे होगा, आप जो डाउन है ना उसको तो बदल लो फोर से और इन बाकी दो को बदल लो, जो भी डाउन हो, जरूरी नहीं है वो थ्री नंबर हो, वो टू नंबर भी हो सकता है, वो वन नंबर भी हो सकता है, तो डाउन वाले को और फोर वाले को बदल लो और अप वाले को और दूसरे वाले को बदल लो, ठीक है। अब ये देखना क्या ये ऐसा हो जाएगा, मैं यहां लिखता हूं, क्या ये ऐसा हो जाएगा कि फोर्थ प्रायोरिटी आ गया डाउन, यहां पे थर्ड, यहां पे फर्स्ट और यहां पे सेकंड, और अब फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप डाउन आ गया तो आपको आर एस का पता ही है, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन देखो क्लॉक है, तो ये कैसा हो गया आर, और डबल इंटरचेंज से कॉन्फ़िगरेशन नहीं बदलती, तो इस कंपाउंड के कॉन्फ़िगरेशन भी क्या है आर है। ये डबल इंटरचेंज का कंसेप्ट होता है कि डबल इंटरचेंज करो, डबल इंटरचेंज से इजी हो जाता है आर एस करना। और एक स्टैंडर्ड फिक्स कर लो, मैं आप लोगों के लिए एक बात फिक्स कर देता हूं कि आपको डाउन प्रायोरिटी से ही बदलना है, आप अप प्रायोरिटी से भी बदल सकते हो तो भी आर ही आएगा। देखना मैं एक बार के लिए फोर और थ्री को ना बदल के किस किस को बदलता हूं, फोर टू को बदलता हूं, वन थ्री को बदलता हूं। मैं ऐसे लिखता हूं, यहां पे मैंने फोर और टू को बदला, वन और थ्री को बदला, वन और नहीं, फोर और टू को बदला, वन और थ्री को बदला। अब देखना फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप अबव आ गया और अबव के लिए भी आपके पास आर एस है। देखो फोर्थ की पोजीशन, फोर्थ कहाँ है, अबव है, फोर्थ ग्रुप अबव है, रोटेट करूं एंटी क्लॉक है, और फोर्थ जब डाउन था तो क्लॉक रोटेशन आर होती है, फोर्थ जब अबव होगा तो एंटी क्लॉक आर हो जाती है, तो ये आर ही आया।
तो डबल इंटरचेंज आप कैसे ही कर सकते हो, चाहे इसको डाउन ले जाओ चाहे इसको अबव ले जाओ, क्योंकि हमारे पास जब डाउन होता है फोर्थ ग्रुप तभी भी आर एस होता है, जब अबव होता है तो भी आर एस होता है, लेकिन ऑन द प्लेन के लिए आर एस नहीं होता। तो डबल इंटरचेंज का कंसेप्ट याद रखना कि कैसे ही कर सकते हो, एक फिक्स कर लो, या तो डाउन ले जाना है या अप ले जाना है, आप लोगों के लिए इजी रहेगा। तो ये था बच्चों आर एस नोमेनक्लेचर वेज में पूरा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे आर एस इन फिशर, आर एस इन फिशर नो रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। वेज में हमने पढ़ा फिशर रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है, ऐसे होती है, और अगर इसको मोर एक्यूरेटली बनाऊं तो ये जो वर्टिकल लाइन होती है ये डॉटेड होती है, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है सॉलिड होती है, ऐसे, ठीक है। अब एक चीज ध्यान देना, डॉटेड और सॉलिड से आपको कुछ कुछ ये वेज की तरह दिखने लगी, बस डिफरेंस इतना आएगा कि यहां पे दो सॉलिड है दो डॉटेड है। अगर मैं दो कार्बन के फिशर की बात करूं तो दो कार्बन के फिशर को ऐसे बनाया जाता है, वन टू, इस वन और टू के बॉन्ड को ऑन द प्लेन दिखाया जाता है, जितने भी ग्रुप हॉरिजॉन्टल हैं उनको अबव दिखाया जाता है और बाकी के वर्टिकल वालों को बिलो दिखाया जाता है, ऐसे होता है इसका, ठीक है। ये इसका प्रॉपर फिशर रिप्रेजेंटेशन है, आपको कुछ कुछ ध्यान आ रहा होगा। अब एक चीज देखना, फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप या तो वर्टिकल लाइन पे हो सकता है या हॉरिजॉन्टल पे हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, फोर्थ की पोजीशन ही देखनी है पहले आर एस देते हुए, ये बात फिक्स है, ठीक है। या फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप या तो वर्टिकल पे हो सकता है या हॉरिजॉन्टल पे हो सकता है, ठीक है। अब हम देखते हैं, देखना पोजीशन ऑफ फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप, पोजीशन ऑफ फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप, दो केस बन सकते हैं, या तो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप इज ऑन वर्टिकल लाइन, इज ऑन वर्टिकल लाइन, या फोर्थ ग्रुप इज ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। अच्छा एक चीज ध्यान देना, यहां पे एक सीधी सी बात ध्यान रख लो कि फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप जब वर्टिकल लाइन पे होगा तो या तो यहां होगा या यहां होगा, कैसे हो सकता है, वर्टिकल पे है। और एक चीज मुझे बताना, वर्टिकल को अभी मैंने ऐसे डॉटेड बनाया, यानी फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप कहां है, क्या मैं अगर वेज से इसको रिलेट करूं तो बिलो कह दूं और ऐसे कह दूं कि अगर वेज में बिलो जो था आर एस देने के लिए सेम यहां पे लगा दूं कि वन से टू थ्री की तरफ जाते हुए अगर क्लॉक गए तो आर और एंटी क्लॉक गए तो एस, यही आपने वेज में बिलो के केस में लगाया था और यही मैं यहां लगा रहा हूं, तो बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है। वेज में जब आपने फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप को बिलो लिया था तो यही आर एस था, तो यानी वेज का फोर्थ बिलो और फिशर का फोर्थ वर्टिकल बिल्कुल सेम होता है, बिल्कुल सेम होता है। इसी तरह वेज का फोर्थ अबव और फिशर का फोर्थ हॉरिजॉन्टल सेम होता है। देखना एक बार, फोर्थ ग्रुप यहां हो सकता है या फोर्थ ग्रुप यहां हो सकता है। अब एक चीज बताना, अगर मैं प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन में लूं तो फोर्थ ग्रुप देखो यही केस है अबव वाला, और अबव वाला है तो बिल्कुल इसका उल्टा कर दूं, वन से टू थ्री की तरफ जाते हुए ये तो एस है और ये आर है, और देखो फोर्थ अबव जब वेज में था तो यही केस था। और याद रखने का तरीका क्या बताया था, सिर्फ इसको याद रख लो, फोर्थ बिलो आर ऐसे, एस हाथ घुमाया ऐसे, ठीक है, इतनी सी बात ध्यान रख लो। और फोर्थ बिलो और ये वर्टिकल सेम है, फोर्थ अबव और ये हॉरिजॉन्टल सेम है, इस चीज को ध्यान रखना बच्चों। ये आर एस करने का सिंपलेस्ट तरीका है, इससे ज्यादा सिंपल तरीका आर एस करने के लिए कोई दूसरा नहीं है, ठीक है। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैं ग्लिसरल्डिहाइड का एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। अगर प्रायोरिटी दूंगा
प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग ये वन है, ये टू है, ये थर्ड प्रायोरिटी और ये फोर्थ। देखो फोर्थ हॉरिजॉन्टल लाइन पे है और एंटी क्लॉक रोटेशन, ठीक है। अब एक चीज याद करो, मैं रिलेट करता हूं, देखो फोर्थ वेज से रिलेट करता हूं, फोर्थ डाउन था तो आर था ये, एस था ये, ठीक है, और ये सेम होता है वेज के वर्टिकल से, तो फोर्थ अबव था वेज में तो आर होगा ये, एस होगा ये, और ये सेम है हॉरिजॉन्टल से। आप देख लो ऐसे रोटेशन है, तो ये क्या हो गया, ये फोर्थ अबव वाला केस है ना, क्योंकि फोर्थ अबव वाला केस है तो ये आर हो गया। या फिर इसको याद रख सकते हो तो इसको याद रख लो, इसको याद रख सकते हो तो इसको याद रख लो, नहीं तो ये छोटी सी ट्रिक है, इसको ध्यान रख लो। ट्रिक से आई होप ज्यादा इजी होगा, तो आप इससे कर सकते हैं, ठीक है। इसी के लिए सर एल्डिहाइड को मैं ऐसे लिखता हूं, OH H CH2 OH। देखना मैं आप देता हूं इसमें RS, पहले प्रायोरिटी के हिसाब से देखो तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी यहां पे, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ग्लिसरल्डिहाइड है ये, ठीक है। अब देखना फोर्थ प्रायोरिटी कहां गया, फोर्थ आ गया वर्टिकल पे, और मैंने आपको ये कहा था फोर्थ वर्टिकल और फोर्थ डाउन, फोर्थ वर्टिकल फिशर का, फोर्थ डाउन वेज का सेम होता है, और ये आर होता है और ये एस होता है, ठीक है। देखें अब क्लॉक रोटेशन है, क्लॉक रोटेशन है तो कैसे हो गया, ये आर हो गया, आर हो गया, ठीक है। तो आप इस तरीके से आर एस नोमेनक्लेचर किसी भी कंपाउंड का दे सकते हैं। ये था बच्चों आर एस नोमेनक्लेचर फिशर के बारे में, ये कंसेप्ट खत्म हुआ। आपको मैं एक असाइनमेंट भेजूंगा, आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।